हेलो ब्यूटीफुल पीपल, लॉट्स ऑफ हग्स एंड किसेस. तो आप लोग देख सकते हो मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ अच्छे बच्चे की तरह. और हम आज का अपना ब्लॉग चालू करते हैं. उसके पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ. तो मेरे सामने बीटरूट का जूस रखा हुआ है जो कि मुझे फिनिश करना है, और मैं बता नहीं सकती कि ये कितना मुश्किल काम है, बट आई विल फिनिश इट. आज हमारी कुकाई नहीं है तो हमारे पास हमारा ब्रेकफास्ट नहीं बना है, तो हम ब्रेड ऑमलेट पहले सोचे थे बनाएंगे, बट ब्रेड नहीं है पता चला, तो हम ऑमलेट बनाएंगे क्योंकि ऑमलेट हमारा फेवरेट है और अजय बहुत ही मस्त ऑमलेट बनाता है. और उसके साथ हम चोको फ्लेक्स खाएंगे दूध के साथ. तो हमारा ऑमलेट बन चुका है, अजय ने बनाया है, मस्ती ही हम खाएंगे. और दूध हमारे पास चोको फ्लेक्स है, मुसली है, मस्त मजा आने वाला है. और गाइस क्या मस्त बारिश हो रही है, मुझे इतना भीगने का मन कर रहा है बट कोई चलने के लिए नहीं रेडी मेरे साथ. उनको मैं वापस से सबको कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ. बम्बू ये शूट करने वाला डंडा है. चलो आप चलो, आपका कोरोना नहीं होगा भींगने के बाद सर्दी जुकाम. वो नहीं जा रहा है, उसको कितनी बार बोला मैंने चलो चलो चलो, कोई चल ही नहीं रहा मेरे साथ भींगने. अरे ये डंडा नहीं है. काम चालू, मेरे साथ भींगने चलो ना प्लीज, कोई नहीं जा रहा. वो मम्मी पता है क्या बोल रही मेरे को, इसका डंडा लेके चालू हो गया. चलो ना यार, देखो क्या मस्त सेक्सी बारिश हो रही है यार, सीरियसली चलो प्लीज. तुम और तुम्हारे काम, अभी मैं किसको पकड़ूं, कोई तो चलो प्लीज. कहीं चलो. तो गाइज आज हम 8th डे का क्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि 9th का तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर दिया है. तो लेट्स स्टार्ट. मैं क्यू पहले अपने रूम से फाइंड आउट करना चालू करूँगी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि क्यू रूम में ही है और रूम में ही होना चाहिए. मैंने सबको बोल दिया कि प्लीज़ क्यू आप रूम में रखो, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट होता है यार क्यू फाइंड आउट करना, मतलब सीरियसली. तो हम स्टार्ट करते हैं पहले बेड से. तो पहले वही अपना रूटीन, पहले तो ड्रॉवर में चेक करूँगी. वाह किसने रखा मेरे ड्रॉवर में बॉन विले, इट्स माय फेवरेट वन. पिल्लो उल्लो के नीचे तो होगा नहीं, आज ही बेडशीट चेंज किया मैंने. कुछ रखता ही नहीं है इसमें, इधर भी नहीं है. नहीं 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 भगवान जी, अयो अयो अयो. अरे बाप रे, ये कैसे घुसा के रखा है इसने. अरे बाबा, घर वाले पागल हो चुके हैं. 8 days to go, ये तो बहुत इजी था यार. लेट्स हैव अ मैक टुगेदर. ओके तो मैगडी, मैगडी मुझे खाना पसंद है ऐसा बोल रहे हैं क्या. लेट्स हैव अ मैक टुगेदर. मैगडी तो इन्होंने किसी ने ऑर्डर नहीं किया, सुबह से तो कोई ऑर्डर आया नहीं है, अजीब घनचक्कर लोग हैं.
पागल ही बना रखा है मुझे। मैकडी नहीं हो सकता यार, लेट्स हैव अ मैक टुगेदर। ओई मैकबुक की बात कर रहे हैं आई गेस, मैकबुक की बात कर रहे हैं। मैकबुक किधर है, मैकबुक किधर है, किधर है मैकबुक? आई थिंक ड्रॉवर में होगा। कहाँ है? मैकबुक में देख लो यार, खुल जा भाई। ई अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह 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 वाह, ये बहुत इजी था। हाय चमार साला, मेरे को सब चमार ही बुलाते लोग। मैं सोचती हूँ मैं क्यों पैदा हुई। एनीवेज बाय द वे, मुझे वो लोग चमार बहुत प्यार से बुलाते हैं। ये जिनको वो प्यार करते वो चमार बुलाते हैं, और वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। सो दिस इज़ द मैसेज। ओके वंडरर, एवरी वन हु वंडर्स इज नॉट लॉस्ट, बी द वंडरर यू आर एंड डोंट लेट एनीथिंग चेंज इट, लेट्स वंडर टुगेदर फॉर एवर। सो क्यूट, थैंक यू सो मच गाइज, दिस वॉज ऑसम एंड दिस वॉज ईजी टू। अभी बोलना पड़ेगा इनको, थोड़ा डिफिकल्ट वाला कर दो यार। सो बहुत ईजी था, मतलब फटाफट हो गया यार, मज़ा आ गया। आई एम सो हैप्पी। नाइन्थ वाले में तो इतना टायरिंग था, इतना टायरिंग था, मतलब पूरे घर में मैं पागल हो चुकी थी ढूंढ ढूंढ के। बट मज़ा आया इसमें, सीरियसली फटाफट हो गया, ऐसे ही होना चाहिए था। आज फुल पानी पूरी पार्टी हो रहा है हमारे घर पे। ओ माय गॉड, फुल ख़त्म होने वाला है ये सब। इसको बोलते हैं लाइफ। मम्मी का तो चलिए हम लोग इंजॉय करते हैं, आप लोग भी इंजॉय करो अगर मुंह में पानी आया हो तो। सॉरी वी कांट हेल्प इट। तो अभी हम लोग पानी पूरी खा के आपको बताएंगे कि क्या मजा आ रहा है पानी पूरी खाने में। और ये मीठी चटनी मुझे तो बहुत पसंद है, और ये ग्रीन चटनी, और थोड़ी सी आलू। अमेजिंग, बहुत मजा आया। अब ये पूरा प्लेट मुझे खाली करना है, तो आप लोग भी खाना एंजॉय करो। वाओ, चलो गाइस प्लीज hit like and subscribe if you like the video, and please comment अगर कुछ भी ऐसा है आपको लगता है कि मुझे मतलब improve करना चाहिए, because I am always into learning phase। तो अगर आपको लगता है कि कुछ भी improve करना चाहिए तो आप please मुझे comment करो, मैं आपके सारे comments पढ़ती हूँ। कोई भी ऐसे comments नहीं है कि मैं छोड़ देती हूँ, मुझे जब जितना time मिलता है उस time में मैं कोशिश करती हूँ कि सारे के सारे comments पढ़ूँ। तो आप प्लीज़ अपने फीडबैक्स दो। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव्स एंड किसेस, बाय।